आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कोविड से बचाव के लिए प्रभारी मंत्री ने कोविड प्रबंधन टीम के साथ की समीक्षा बैठक, कहा मिलकर महामारी का करें मुकाबला, निश्चित मिलेगी सफलता। कोविड के नोडल अधिकारी व मंडलायुक्त ने किया बड़हलगंज होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में बन रहे 50 बेड के कोविड अस्पताल का निरीक्षण, कार्य की प्रगति, मानव संसाधन एवं ऑक्सीजन के संबंध में ली जानकारी, कहा दवाओं की उपलब्धता कराए सुनिश्चित। पीपीगंज थाना क्षेत्र के रोहिणी नदी में दो बच्चों सहित महिला का तैरता हुआ मिला शव, आत्महत्या और हत्या में उलझे पुलिस, सीओ कैंपियरगंज ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति होगी स्पष्ट। जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने किया कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण, कहा कोविड मरीजों के इलाज के लिए प्रदेश सरकार कर रही है हर संभव मदद, सभी मरीजों का होगा समुचित इलाज। मानसून से पहले नगर निगम चला रहा है नाला सफाई अभियान, नालों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों को जारी हुआ नोटिस, नगर आयुक्त ने कहा शहर में नहीं होने दिया जाएगा जल जमाव। गोरखपुर विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का प्रभारी मंत्री ने किया निरीक्षण, कहा अवश्य लगवाएं जीवनदायिनी टीका, रहे सुरक्षित। गोरखपुर में सोमवार को मिले 106 नए कोरोना संक्रमित मरीज, दो की हुई मौत, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 58,069, अब तक 631 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके अपनी जान, 3,403 हो गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। महानगर के वार्ड नंबर 8 के मोहरीपुर में जल जमाव की समस्या से नागरिक परेशान, नगर आयुक्त ने कहा जल्द होगा समस्या का समाधान। गोरखनाथ थाने के नए भवन के एसएसपी ने किया भूमि पूजन, रखी आधारशिला, कहा प्रदेश का सबसे पहला हाईटेक थाना बनेगा गोरखनाथ थाना। फर्दलपुर वार्ड में सफाई कर्मचारियों को बांटे गए स्टीम मशीन, सबसे अधिक उपस्थिति दर्ज कराने वाले कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। बांसगांव पुलिस ने टॉप 10 अंतर जनपदीय शातिर लुटेरा व हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार, एक 315 बोर का अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस किया बरामद। जनपद में जिला अस्पताल सहित 72 बूथों पर किया गया 19,837 लोगों का कोविड वैक्सीनेशन, 45 साल से ऊपर के 11,620 तथा 18 साल से ऊपर के 8,217 लोगों ने लगवाया कोविड का टीका, नागरिकों ने कहा अवश्य कराएं वैक्सीनेशन। महिला थाना प्रभारी के नेतृत्व में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, काले फिल्म को उतारने के साथ बेवजह घूम रहे लोगों पर की गई कार्यवाही। शासन के निर्देश पर लगाया गया कोरोना आंशिक कर्फ्यू का सोमवार को भी देखने को मिला आंशिक असर, कोरोना कर्फ्यू से कोविड संक्रमितों में आई कमी। और ताउते तूफान के बाद अब पहुंच रहा है चक्रवात यास, तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश, जिला आपदा प्रबंधन है तैयार।